मिल रही है जहां किरणधुल की 13 डिपॉजिट लोह अयस्क खदान अडानी को देने की विरोध में चल रहे आंदोलन को तोड़ने के लिए आज इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। किरणधुल इलाके में भारी संख्या में फोर्स मौजूद है और प्रदर्शनकारियों का पंडाल हटा दिया गया है, लेकिन अभी 200 से 300 प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद हैं। तो प्रशासन ने रात 12 बजे तक अल्टीमेटम दिया था और इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे, जिसके चलते तनाव का माहौल पैदा हुआ। किरणधुल 13 डिपॉजिट अडानी को देने का विरोध हफ्ते भर से किया जा रहा है और इसके चलते एनएमडीसी का काम भी बंद है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, किरणधुल इलाके में धारा 144 लागू की गई है, फिलहाल क्या हालात है? बिल्कुल बता दूं बुसरा मैं कि किरणधुल इलाके में तनाव का माहौल है, चारों तरफ यहां पर फोर्स लगी हुई है और धारा 144 प्रशासन ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध में लगा दी है। कल एसडीएम नीतन कंवर ने रात 12 बजे का अल्टीमेटम दिया था धरना स्थल खाली करने के लिए और सुबह दंतेवाड़ा कलेक्टर की तरफ से भी एक नोटिस जारी हुआ है। पुलिस जगह जगह में नोटिस का बोर्ड चिपका रही है और यहाँ पर आंदोलनकारी अब भी यहाँ पर 50-60 की संख्या में मौजूद है, ज्यादा तो नहीं है। बड़े बड़े जो उनके लीडर्स वगैरह इस आंदोलन से मूव कर चुके हैं, निकल गए हैं, और लेकिन फिलहाल एनएमडीसी डिपॉजिट का काम अब भी बंद है। साथ में बचेली में जो प्रदर्शनकारियों ने रोका था काम को, बचेली का काम तो चल रहा है और इस तरीके से, लेकिन अभी पूरा स्थल खाली नहीं हुआ है, अभी भी आदिवासी यहाँ पर मौजूद है 50-60। पंकज, इसी खबर पर कल भी आपसे बातचीत हुई थी, एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें तमाम आदिवासी नेता भी मौजूद थे, कुल मिलाकर 5 ऐसी मांगे थी जिनको मंजूरी मिल गई, लेकिन बाकी की जो शेष थी उन पर मंजूरी नहीं मिली, लिहाजा आदिवासी अभी अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें समझाइश दे दी जाए, लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या खबर मिल पा रही है कि क्या आश्वासन या फिर आदिवासियों को मनाने की क्या कवायदे की जाएंगी? पंकज, की तरफ से जो पक्ष यहाँ पर आया था किरणधुल लौट करके, उन्होंने बहुत समझाइश दी कि सरकार ने 4 बिंदुओं पर उनकी मांगे मानी है कि वनों पर सरकार ने तत्काल कटाई रोकी है, साथ में जो 2014 में फर्जी ग्राम सभा हिरोली ग्राम पंचायत में हुई थी उस पर वे 15 दिन में जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस तरीके से सरकार ने लगभग आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान ली थी, लेकिन आंदोलनकारियों का तत्काल रिजल्ट लेने का जो फैसला है इस पर प्रशासन ने नाराजगी दिखाई है और प्रशासन ने सरकार के उस आदेश का हवाला देते हुए ये नोटिस जारी किया है। और पंकज आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ अभिषेक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो दंतेवाड़ा से एसपी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे किरणधुल इलाके में धारा 144 लागू है, पुलिस प्रशासन को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है वहाँ पर, क्योंकि स्थिति थोड़ी देर के लिए बेकाबू हो गई थी? मैडम, रात से ही हमने पहला नोटिस दिया था कि रात 12 बजे तक खाली करने के लिए, प्रशासन द्वारा अभी दिन 12 बजे का नोटिस दिया गया है। पुलिस जो है संयम रख रही है, धीरे धीरे करके लोग खाली हो रहे हैं। अभी वेन्यू में मुश्किल से 100 लोग हैं जबकि पहले 2 से 3 हजार लोग थे, और इसमें जो मिस्क्रियंट लोग हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, वीडियोग्राफी की जा रही है और उनको जो है पुलिस जो है अपने गिरफ्त में ले रही है। अभिषेक जी, सरकार की तरफ से आपको क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सरकार पहले ये ऐलान कर चुकी थी कि अगर आदिवासी नहीं मानते हैं तो उन्हें दूसरे तरीके से समझाया जाएगा और दबाव बनाने की भी कोशिश की जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसा जिक्र करती नजर आई थी सरकार? सरकार ने जो आदिवासी थे उनकी सारी मांगों को पहले ही मान दिया है, उसके बाद भी क्योंकि आदिवासी पूरी नहीं मानी गई है। अभिषेक जी, पूरी नहीं मानी गई है, सिर्फ 5 मांगे मानी गई है, शेष अभी बाकी है, जिसको लेकर आदिवासियों द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर। जो राज्य शासन के अंदर जो भी चीजें हो सकती थी वो राज्य शासन ने किया है, और दूसरी बात जो आंदोलनकारी हैं उनसे लगातार सरकार जो है सतत संवाद कर रही है। आज बचेली में जो स्ट्राइक जो का था वो खुल गया है, बचेली में काम शुरू। लेकिन अभिषेक जी, अगर आदिवासी मान गए हैं, उन्हें उनकी कोई मांगे शेष बची नहीं है, तो कौन लोग हैं जो थोड़े हालातों को बेकाबू करने की कोशिश कर रहे हैं? अब कुछ यूथ हैं जो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ जो चीजों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उन्हें चिन्हित करके अलग से निगरानी रखी जा रही है, उन पर वीडियोग्राफी किया जा रहा है, ड्रोन से वीडियोग्राफी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को देखे जा रहे हैं,
इन लोगों के फोन रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं, कुछ लोग नक्सलियों के भी सतत संपर्क में हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। पुलिस जो है पिछले 6 दिन से संयम से कार्य कर रही है और हमें निर्देश है कि हम संयम से लोगों को संवेदनापूर्ण ढंग से हैंडल करें और जो लोग जानबूझ के भड़का रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी, और पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज आप अपनी बात को पूरा कीजिए। तो मैं बता रहा था कि जो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का आंदोलन है लमका में समाप्ति की ओर है, यहाँ पर 10% से ज्यादा यहाँ पर भीड़ इस वक्त मौजूद नहीं है और जिस तरीके से 2 दिन पहले ये काफी उग्र रूप में दिख रहा था कि NMDC बचेली का भी पूरा काम बंद कर दिया गया था और किरंदुल में तो फिलहाल आज भी काम बंद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले घंटे में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर वापस चली जाएगी। जी पंकज आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ दीपक बैस जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जो कि बस्तर से सांसद हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि किरंदुल इलाके में धारा 144 लागू है, सरकार की तरफ से क्या दबाव बनाया जा रहा है ताकि स्थिति को काबू में किया जाए, पहले आपकी प्रतिक्रिया। हेलो जी। जी देखिए वहाँ पे किरंदुल वाले मामले पे सरकार ने पूरी बात वहाँ के आंदोलनकारियों को बात मान ली है और वो जो जो कहे हैं जो भी बात जो जो मांग रखे हैं उन्होंने 2 मांग रखी थी, सरकार ने तो 4 मांग मान ली है और पूरी जैसे आंदोलनकारी चाह रहे थे वैसी सरकार ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है और वहाँ पे पूरी आंदोलनकारी नहीं है, सिर्फ 2-3 लोग हैं पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ आंदोलन मतलब जो वो आंदोलन है वो अब दिशा से भटक चुकी है। जी दीपक जी क्या आप मानेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया था, आदिवासी नेताओं से भी बातचीत हुई थी, तमाम आदिवासियों से बातचीत हुई थी और कहीं ना कहीं एक सहमति बन गई थी, तो आपको क्या लगता है कौन वो लोग हैं जो अब हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं? जब आदिवासी मान ही गए हैं तो हिंसा किस बात की और ये आंदोलन? सरकार का वही कहना है, सरकार तो इतना त्वरित कार्रवाई इतना अच्छा निर्णय लिया, मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, जो आजकल आज बस्तर के इतिहास में आप देखेंगे इतने टाटा की जमीन वापसी से लेकर इतना आदिवासियों हक में बस्तर के हक में इतना अच्छा फैसला अभी भी 2nd बार हुआ है, जो पहला बार टाटा की वापसी, दूसरे बार खदानों को तत्काल रोक लगाना, इतना बड़ा फैसला आदिवासियों हक में बस्तर के हक में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब आंदोलन को भटकाना दिशाहीन करना कुछ लेकिन लोगों क्या लगता है कौन वो लोग हो सकते हैं जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं? क्योंकि SP साहब जी हमारे से जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि नक्सलियों का भी कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप है, आप क्या मानते हैं? उसमें मुझे किसी का नाम लेना मुझे उचित नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हम लोगों ने वहाँ पे परसों 12 बजे रात तक हमने रहा वहाँ पे सब कंडीशन देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ 2-3 लोग ही चला रहे हैं और आंदोलन जो पहले सही दिशा में जा रही थी लेकिन अभी दिशा जो है ना वो भटक चुकी है। क्या लेकिन अब प्रयास किए जाएंगे सरकार की तरफ से इन आदिवासियों को मनाने के लिए? सरकार की तरफ से पूरी दरवाजा खुली हुई है, CM साहब तो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा करने को तैयार है, जो बस जो छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकार क्षेत्र में है सरकार ने तो पूरा किया, उसके बावजूद भी अगर कोई बात है तो वो तो अभी भी बात करने को तैयार है, लेकिन अब यह है कि अब वो आंदोलन एकदम जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम डटे रहेंगे, चाहे 10 दिन लगे। भाई फर्जी ग्राम सभा का उन्होंने आरोप लगा रहे हैं तो फर्जी ग्राम सभा का तो बारीकी से और अच्छे से जांच करना हम भी वहां के जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं और CM साहब भी चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग 3 दिन में जांच कर लो, जांच करने के बाद फिर हम हड़ताल में बैठे रहेंगे या फिर 15 दिन में जांच करो 15 दिन तक हड़ताल में बैठे रहेंगे, तो ये बात वहां उचित नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। अगली खबर जहां